हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं दिव्या शर्मा। हड्डियों को लोहे जैसा मजबूत बनाने के लिए और शरीर के सारे जोड़ों को बहुत मजबूत बनाने के लिए शरीर के सारे जोड़ों में लुब्रिकेंट और साइनोवियर फ्लूड को दोबारा पैदा करने के लिए ये फॉर्मूला बहुत फ़ायदेमंद है और बहुत सारे लोगों ने इसका फ़ायदा भी लिया है। इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ इलाज, उसके साथ आपको बताऊँगी कि आपने ब्रेकफास्ट में ऐसा क्या खाना है कि आपके सारे जोड़ मजबूत होंगे, हड्डियाँ वज्र की तरह मजबूत होंगी। तो उसे जानने के लिए आप थोड़ा बोर्ड पर देखिए ताकि आपको इसके सारे फायदे पता चल सकें। तो आपने क्या करना है, तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि आपने ब्रेकफास्ट में क्या लेना है। ब्रेकफास्ट में कोई ऐसी चीज़ ली जाए जो शरीर को ताकत दे, शरीर के जोड़ों को एनर्जी दे, शरीर में पैदा होने वाली जो लुब्रिकेंट है, साइनोवियल फ्लूड है, उसको घटने ना दे। तो आपने क्या करना है, रात को 2 मुट्ठी चने काले भिगो देने हैं, काले चने भिगोने हैं और उनको सुबह उबाल लेना है। नाश्ते में आपने इसका सेवन करना है। इसमें आप खीरा, प्याज, टमाटर बनाकर इसकी चाट बना लीजिए और इसमें लेमन यानी नींबू ज़रूर मिक्स कीजिएगा। नींबू न केवल हमारी बॉडी को डिटॉक्स करता है बल्कि विटामिन सी लेने से हमारी हड्डियाँ भी मजबूत होती हैं। तो आपने चने वाली चाट बनानी है और उसमें नींबू ज़रूर डालना है। रोज़ाना आपने यही नाश्ता करना है। कुछ लोग बोलेंगे कि हमें ये चने खाने से गैस बहुत बनती है। आप एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, गैस चने खाने से तभी बनेगी अगर आप चने को अच्छे से चबाएंगे नहीं। अगर चबा लेंगे तो कभी गैस नहीं बन सकती। इसके अलावा रात को आपने 8 से 10 बादाम भिगोने हैं और नाश्ते में बादाम का भी सेवन करना है। ये आपका ब्रेकफास्ट हुआ। ब्रेकफास्ट में आपने चने और आलमंड लेने हैं। ऐसे लेने से आपके अंदर ताकत आएगी। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ हड्डियों को लोहे जैसा मजबूत बनाने के लिए, इसके अलावा जोड़ों के अंदर लुब्रिकेंट साइनोवियल फ्लूड को पैदा करने के लिए, बॉडी के हर एक जोड़ में साइनोवियल फ्लूड को पैदा करने के लिए इसे लेना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहली चीज़ है शिलाजीत। शिलाजीत न केवल मर्दों के लिए बल्कि महिलाओं के लिए भी काफ़ी फायदेमंद है। शिलाजीत का सेवन करने से हड्डियाँ बहुत मजबूत बन जाती हैं और इसके कोई नुकसान नहीं है। आपने शिलाजीत सिर्फ कनक के दाने जितना लेना है। आप माचिस की तिल्ली लेंगे तो उसके 3 हिस्से कर लीजिए। लिक्विड शिलाजीत का इस्तेमाल कीजिए। जितना शिलाजीत माचिस की तिल्ली के 3रे हिस्से में चढ़ जाए उतना ही आप लेकर पानी में मिक्स करके पी लीजिए। सुबह खाली पेट पी सकते हैं, दिन में कभी भी खाली पेट पी सकते हैं। अगर आपको शिलाजीत मार्केट में मिल जाए तो ठीक है, अगर आपको नहीं मिल पा रहा तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा आपको, आप वहाँ भी ऑनलाइन खरीद सकते हैं। दूसरी चीज़ जो मैं आपको बताने जा रही हूँ जिसका सेवन आपने ज़रूर करना है, ये नहीं कि इसमें से कोई भी चीज़ आप छोड़ दीजिए। दूसरी चीज़ है एलोवेरा और गिलोय। इन दोनों चीज़ों का सेवन एक साथ करना है, दिन में कभी भी कर लीजिए खाली पेट। ये भी आपको मार्केट में बहुत आसानी से मिल जाएगी। अगर नहीं मिले तो आप इसे ऑनलाइन खरीद सकते हैं, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एलोवेरा का गुण क्या है, एलोवेरा हमारी बॉडी को डिटॉक्स करता है, गैस और एसिडिटी को दूर करता है। गिलोय का क्या काम है, हमारी बॉडी में बनने वाली जितनी भी वात है, वाई है, उसको दूर करके हड्डियों को मजबूत बनाने का काम करता है। इसके अंदर न केवल आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, जिंक, इसके अंदर इतने मिनरल्स भरे हुए हैं, अगर अपने इसको गिनने लगे तो शायद कम पड़ जाएंगे। गिलोय की क्वालिटी इतनी ज़्यादा है। तो आपने रोजाना 3 चम्मच गिलोय जूस का सेवन करना है और 3 चम्मच ही एलोवेरा जूस का सेवन करना है। एक साथ मिक्स कर लीजिए, आधे गिलास पानी में इन्हें मिक्स कीजिए और कभी भी खाली पेट पी लीजिए। ऐसा करने से हड्डियाँ मजबूत होंगी, बॉडी में बनने वाली जितनी भी वात है वो बॉडी से बाहर हो जाएगी, एसिडिटी, गैस, ये प्रॉब्लम्स भी आपको नहीं होगी। तो आपने क्या करना है, शिलाजीत का सेवन करना है, आपने गिलोय लेनी है 3 चम्मच, आपने एलोवेरा ले जूस लेना है 3 चम्मच, इन दोनों को आधे गिलास पानी में मिक्स करके लेना है। इसके अलावा बॉडी को एनर्जी देने के लिए और ताकत देने के लिए आपने चने की चाट प्लस आलमंड का सेवन करना है। तो ये है बहुत ही खास इन्फॉर्मेशन शरीर के हर एक जोड़ में एनर्जी भरने के लिए और हड्डियों को वज्र जैसा मजबूत करने के लिए, बहुत ही खास इन्फॉर्मेशन। अगर आपके कोई भी सवाल हो इस वीडियो से संबंधित तो ज़रूर पूछिए, आपके हर एक सवाल का जवाब ज़रूर दिया जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक ज़रूर करिएगा क्योंकि आपके लाइक से मेरा मोटिवेशन अप होता है। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहें और बेल आइकन पर ज़रूर प्रेस कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, ऑलवेज बी हैप्पी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ओके।
बाय।